हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम बनाएंगे यूनिक सी स्नैक्स की रेसिपी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका डो लगा लेंगे, जिसके लिए हमने मैदा, सॉल्ट, अजवाइन और ऑयल लेना है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा कर कर पानी ऐड करेंगे और इसका हार्ड डो तैयार कर लेंगे। इस डो को हमें एक घंटे के लिए रेस्ट होने देना है। अब बनाते हैं इसकी फिलिंग। सबसे पहले हम पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। अब ऑयल के गर्म होने के बाद इसमें हम थोड़ी सी राई ज़ीरा डाल देंगे और एक मिनट के लिए इसे कुक कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली और गार्लिक का पेस्ट। इसे भी हम अच्छे से कुक कर लेंगे। अब हम इसमें तीन बड़े साइज़ बॉइल्ड मैश्ड पोटैटोस डाल देंगे, साथ ही में थोड़ा सा कोरिएंडर, और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो से तीन मिनट तक इसे कुक कर लेंगे। साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट। इसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें हाफ लेमन जूस ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। अब हमने जो डो तैयार किया था उसकी पतली सी हम रोटी बेल लेंगे। अब हम एक फोक की हेल्प से इस रोटी पर शेप बना लेंगे और इस शेप के हिसाब से हम थोड़ी थोड़ी दूर पर कट लगा देंगे। इसे हम फ्लिप कर लेंगे और जो हमने कट्स लगाए थे वहाँ पर पिंच करके इस तरह से एक शेप बना लेंगे। अब हम इसमें अपनी बनाई हुई फिलिंग ऐड कर लेंगे। इसके एजेस पर हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करके इसके जो साइड्स हैं वहाँ अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि ये खुले ना, और फिर इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसके जो एजेस हैं वहाँ पर अच्छे से प्रेस करना है ताकि ये खुले नहीं। इस तरह से हम सारे बनाकर एक साइड में रख लेंगे। यहाँ पर हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो हम इन सारे स्नैक्स को जो है ऑयल में डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इन सबको फ्राई कर लेंगे। तो चलिए, हमारी ये स्नैक्स की रेसिपी बिल्कुल बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।